फंक्शन के हिसाब से आप डिवाइड करते उनकी हो उनकी जॉब क्या होगी उस हिसाब से डिवाइड करते हो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रोडक्शन का काम क्या है मार्केटिंग में क्या है फिनेंस में क्या है परचेज में क्या है तो इनके हिसाब से आप डिवाइड करोगे अब देखो प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट की बातों पर ध्यान रखेगा प्रोसेसिंग ढंग से हो रही कि नहीं क्वालिटी का ध्यान रखेगा रिपेयर और मेंटेनेंस का ध्यान रखेगा मशीन्स की मार्केटिंग क्या ध्यान रखेगा एडवर्टाइजिंग सेल कस्टमर की नीड कस्टमर सर्विस रिसर्च कस्टमर नीड्स एंड कस्टमर वांट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन ध्यान रखेगा फिनेंस डिपार्टमेंट क्या ध्यान रखेगा कैपिटल स्ट्रक्चर फिनंस प्लानिंग परचेज डिपार्टमेंट ध्यान रखेगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कैसे परचेज ऑफ इनपुट और उसका रिकॉर्ड कितना इनपुट हो रहा है कितना आउटपुट हो रहा है वो ध्यान रखेगा वो परचेज का रिकॉर्ड रखेगा कि परचेज कब अपन को न्यू परचेज करना है कब स्टॉक ख़त्म हो रहा है अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहला है स्पेशलाइजेशन आता है इजी सुपरविजन होता है इजी सुपरविजन कैसे होगा अब देखो आप अगर ये काम कर रहे हो कौन सा ये डिपार्टमेंट वाला फंक्शनल डिपार्टमेंट अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर कर रहे हो तो आपको इजी सुपरवाइज करोगे कितना स्टॉक रॉ मटेरियल में है कि नहीं है ओपनिंग स्टॉक कितना है क्लोजिंग स्टॉक कितना है मार्केटिंग कैसे चल रही है हमारे प्रोडक्ट्स में कस्टमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं हमें उन्हें कैसे उनका अटेंशन ग्राप करना है अपनी तरफ तो ईजी सुपरविजन होता है और गाइडेंस मिलता है एम्प्लॉयज़ को जो ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं इजी कोऑर्डिनेशन होता है मैनेजरल एफिशिएंसी बढ़ती है एफिशिएंट ट्रेनिंग मिल प्रोवाइड की जाती है इनको जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उन्हें आप ट्रेन करोगे उस तरीके से कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए क्वालिटी में आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे क्वालिटी को आप कम नहीं करोगे अपना प्रॉफिट अचीव करने के लिए और सिक्स इज ड्यू अटेंशन जैसे कि डिफरेंट फंक्शंस को डिफरेंट अटेंशन प्रोवाइड किया जाता है जैसे कि अगर आप एक ही पर्सन को हेड बना दोगे सारी चीजों का कि तुम ही क्या नाम है सारी चीजें तुमको देखनी है प्रोडक्शन भी मार्केटिंग भी तो एक स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा एक फोकस नहीं क्रिएट हो पाएगा वो एक चीज छोड़ के दूसरी चीज देखेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा तो इसलिए डिपार्टमेंटलाइजेशन जरूरी होता है नाउ डिसएडवांटेजेस वन डिफिकल्टी इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिपार्टमेंट में क्या होता है हर कोई अपने डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज होता है उनका मेन फोकस क्या होता है हमें अपने डिपार्टमेंट का ये काम अचीव करना है उनके लिए ऑर्गेनाइजेशनल गोल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना खुद के डिपार्टमेंट का गोल इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड इज डिक्रीज इन कॉर्डिनेशन जैसे ही कॉर्डिनेशन डिक्रीज हुआ डिले हो जाएगा एक डिपार्टमेंट का डिले हुआ तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी डिले होगा इट्स लाइक अ चेन इज फॉर्म्ड एक ए नहीं बनेगा तो बी कैसे बनेगा बी नहीं बनेगा तो सी कैसे बनेगा तो इट्स लाइक अ चेन तो कोऑर्डिनेशन अगर डिक्रीज हुआ तो दे वुड बी अ फॉल डाउन इन एवरी डिपार्टमेंट थर्ड इज डिपार्टमेंटल एटीट्यूड हर डिपार्टमेंट सोचता है कि उनके हिसाब से काम हो दे आर हेड अगर वो काम नहीं करेगा तो दूसरा डिपार्टमेंट नहीं चलेगा बट ऐसा नहीं है हर एक डिपार्टमेंट अपने अपने लेवल पे इंपॉर्टेंट है अगर एक डिपार्टमेंट नहीं है तो पूरी कंपनी फेल हो जाएगी अपना गोल अचीव करने के लिए फोर्थ इज डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी नाउ एज आई टोल्ड यू काम नहीं करेगा तो बी नहीं होगा बी नहीं होगा तो सी नहीं होगा तो हम बेसिकली ए को नहीं ब्लेम कर सकते हैं पूरी फॉल्ट के लिए मतलब इट बिकम डिफिकल्ट टू सम वन ऑफ द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर द फॉल्ट हम किसी एक डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते कि तुम्हारे कारण लॉस हुआ नहीं क्योंकि तो हर एक डिपार्टमेंट में फॉल्ट होगा तो ये डिफिकल्टी आती है इसमें अब इनफ्लेक्सिबिलिटी अब देखो इसमें क्या होता है हम employees को ट्रेनिंग देते हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होने के लिए तो अगर किसी एक किसी दूसरे डिपार्टमेंट में अगर इंप्लॉयज कम आए हैं तो वी कैन नॉट शिफ्ट देम इन अदर डिपार्टमेंट इट बिकम डिफिकल्ट फॉर देम टू कोप अप विद दैट चैलेंजेस सो बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर जो सुटेबल होता है लॉन्ग लार्ज इजेशन के लिए जो वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट अचीव करते हैं और दूसरा इट रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। नाउ डिविजनल स्ट्रक्चर अब डिविजनल स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अलग अलग डिविजन होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स के डिपार्टमेंट होते हैं टेक्सटाइल डिपार्टमेंट कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट मेडिसिन डिपार्टमेंट सोप डिपार्टमेंट एंड व्हाट्स एवर अब जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस यूज करते हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनका मेन फोकस सिर्फ एक प्रोडक्ट पे नहीं होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे होता है अब एडवांटेजेस क्या होते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के पहला प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन या फशो sure. जैसे कि हर एक प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट अलग है तो उस प्रोडक्ट में वो डिपार्टमेंट स्पेशलाइज होता है उसे पता है कि वो प्रोडक्ट कैसे बेस्ट बनाना है उनका मेन फोकस एक ही प्रोडक्ट पे होता है पूरे डिपार्टमेंट का सेकेंड फास्ट डिसीजन मेकिंग हाँ क्योंकि देखो वो डिपार्टमेंट एक प्रोडक्ट पे फोकस कर रहा है पूरे डिपार्टमेंट का फोकस क्या है कि हमें ये ये प्रोडक्ट अच्छे से लॉन्च करना है मार्केट में अच्छे से बेचना है मार्केट में अच्छी मार्केटिंग होनी चाहिए उस प्रोडक्ट पे सबका फोकस क्या है प्रोडक्ट को फेमस कराना प्रोडक्ट की सेल बढ़ाना अकाउंटेबिलिटी इजीली अकाउंटेबल होते हैं अब इजीली अकाउंटेबल कैसे होते हैं जैसे कि पिछले वाले में मैंने बताया था कि अकाउंटेबल नहीं है क्योंकि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन से डिपार्टमेंट का फॉल्ट है लेकिन इसमें तो हम देख सकते हैं ना जिस जिस प्रोडक्ट की सेल कम हुई है मतलब इस डिपार्टमेंट में फॉल्ट है इस प्रोडक्ट की सेल कम हुई है तो इट्स इजीली अकाउंटेबल फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है तो इट लीड्स टू फ्लेक्सिबल फ्लेक्सीबिलिटी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ अब देखो नया डिपार्टमेंट अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं नई प्रोडक्ट ला रहे हैं मार्केट में हमारी ब्रांड का तो इट वुड बी इजी क्योंकि बाकी के प्रोडक्ट्स को कोई अफेक्ट नहीं होगा बाकी के डिपार्टमेंट्स को कोई चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे उस चीज के लिए डिसएडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेजेस पहला है मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड एज इफ हर डिपार्टमेंट को अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए अलग अलग अपनी उनकी नीड है तो इट वुड बी मोर रिसोर्स आर रिक्वायर्ड फॉर इंडिपेंडेंट यूनिट सेकेंड इज प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट अब इसमें क्या होता है कंपनी को नहीं देखते हैं हम हम अपने प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट को देखते हैं हमें अपना टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देखना है हमें अपना मेडिसिन डिपार्टमेंट देखना है कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ क्या है विड इन केयर हमारा प्रोडक्ट कितना मार्केट में बढ़ रहा है हमें उससे मतलब है कॉन्फ्लिक्ट अब कॉन्फ्लिक्ट होता है ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक किसी डिपार्टमेंट में ज्यादा रिसोर्सेज जाता है किसी डिपार्टमेंट में कम जाता है क्योंकि अदर रिसोर्सेज पहले डिपार्टमेंट चला गया तो इट्स लाइक बाइफकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होता है इसमें नाउ सूटेबिलिटी एंड डिविजनल स्ट्रक्चर आर सूटेबल फॉर इट्स फॉर मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन ग्रोइंग कंपनीज विच प्लान टू एड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर इन देयर ऑर्गेनाइजेशन